हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपसे बात करूँ टाइगर 3 के ऑफिशियल ट्रेलर। मेरे दोस्तों, इसका ट्रेलर हो चुका है रिलीज़ और मुझे पता है मैं वीडियो बनाने में लेट हूँ मेरे दोस्तों। तो मैंने इसका ट्रेलर अभी देखा, तो एक बार इस ट्रेलर देख के तो मेरा दिल भरा ही नहीं। तो मैंने इसका 2-3 बार ट्रेलर देखा, तो मैंने सोचा यार इस ट्रेलर की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इतना ज़्यादा अच्छा ट्रेलर है और इतना ज़्यादा एक्शन है इसमें कि ट्रेलर शुरू हुआ और एक्शन और ट्रेलर ख़त्म हुआ तब भी एक्शन पे ख़त्म हुआ। तो सलमान खान ने यार मज़ा करा दिया इस टाइगर 3 में। यार एक अलग ही लेवल का है जुनून है, एक हाइप है। क्योंकि टाइगर आई थी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, फिर टाइगर जिंदा है और अभी टाइगर 3 आ रही है। और टाइगर 3 में जो विलन है इमरान हाशमी, काफ़ी टाइम से वो गायब है, तो यार उनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और इस बार विलन आए हैं तो होने वाला है कुछ अलग ही लेवल का, कुछ अलग ही करेंगे वो। तो उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। और एक पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे सबसे जो अलग यूनिक सीन लगा वो लगा कैटरीना और उस लड़की की फाइटिंग सीन। जो फाइटिंग सीन कर रहे होते हैं और एकदम वो, आप समझ जाना, मैं पिक्चर शेयर करता हूँ आपके साथ या थोड़ा सा सीन शेयर करूँगा आपके साथ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सीन, यूनिक लगा, हॉलीवुड लेवल का लगा मुझे। और यार जब टाइगर का मैसेज आया था और टाइगर भागता हुआ आ रहा होता है, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। भागता हुआ आ रहा था और एकदम छलांग सी मारता है, जंप से मारता है और जीप पे जंप करता है और एकदम शूटिंग करना शुरू कर देता है, गन्स लगी होती है जीप पे। तो वो मैसेज में मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा और ट्रेलर तो पूरा ही बहुत अच्छा है यार। और इमरान हाशमी बोल रहा है कि यार जब आप किसी की फैमिली को तबाह कर दो, सबसे कीमती चीज़ होती है बीवी और बच्चा, मतलब फैमिली। तो बोल रहा है तूने मुझसे मेरी फैमिली छीन लिया टाइगर, तो मैं भी तुझसे तेरी फैमिली छीनूंगा। तो टाइगर भी बोल रहा है कि ये जो मूवी होने वाली है ये फैमिली के साथ होने वाली है, फैमिली के साथ बड़ा ख़तरा होने वाला है। तो जो है इमरान हाशमी वो उसकी फैमिली को बर्बाद करेगा और वो सेफ करेगा और प्लस इसके साथ अपनी कंट्री को भी सेफ रखेगा, क्योंकि टाइगर पाकिस्तान में घुस चुका है और टाइगर वहाँ पर पकड़ा भी जाएगा। ट्रेलर के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में दिखा रहे होते हैं कि टाइगर बंदा और इमरान हाशमी से बात कर रहा था, बोलता है वेलकम टू पाकिस्तान। तो टाइगर वहाँ पे फंस गया है और वहाँ ही जाके शाहरुख खान मतलब के पठान जाके बचाएगा। तो ट्रेलर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके ट्रेलर में ऐसा नहीं है कि कुछ आपको समझ में ना आया, आपको साफ समझ में आ रहा है कि स्टोरी में क्या होने वाला है। तो आपको स्टोरी पता है लेकिन फिर भी इसकी हाइप बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि ये सन 2023 जो है शुरू में शाहरुख खान का था और लास्ट में हो सकता है शाहरुख खान का हो, क्योंकि उनकी मूवी आने वाली है डंकी, लेकिन उसके साथ सलार भी आने लगे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये अब जो है सलमान खान का है, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा तो आप इसका ट्रेलर देखो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा।